हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम पहुंच चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, शून्य कोटि की आज हम अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम में आपको हो सकता है पूरा डेरिवेशन पूछ ले वो आपको दो नंबर में, या इसका जो फाइनल फॉर्मूला आएगा, जो फाइनल आपका समाकलित वेग समीकरण आएगा, उससे रिलेटेड कोई आपको न्यूमेरिकल दे दे, या इसकी जो अर्धायु काल है, जो हाफ लाइफ टाइम है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दे। तो ये तीन पैटर्न बनते हैं आपसे क्वेश्चन के। ठीक है ना, या तो आपसे क्या पूछ ले, पूरा डेरिवेशन ही पूछ ले, या कोई रिएक्शन देके आपको पूछ ले कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, या आपको न्यूमेरिकल आ सकता है इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, और आपके जो हाफ लाइफ टाइम का जो इक्वेशन आएगा उससे रिलेटेड कोई आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर को। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया अपन किसको बोलेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया अपन किसको बोलेंगे, कि जब आपकी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड ना करे, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ना करे, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब ये अभिक्रियाएं डिपेंड किस पर करेंगी, ये अभिक्रिया डिपेंड करेंगी आपकी कैटलिस्ट पर। ठीक है, कैटलिस्ट अगर मैं डालूंगा तो मेरी रिएक्शन होगी, अगर मैंने कैटलिस्ट नहीं डाला तो मेरी रिएक्शन नहीं होगी, चाहे मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा दूं। ठीक है ना, कोई रिएक्शन है सपोज जो रिएक्टेंट से क्या बना रही है, प्रोडक्ट, तो अगर मैं कितना भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन मेरी नहीं होगी जब तक इस पर मैंने कोई कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट के तौर पर जो मुख्यतः यहां पर लिया जाता है वो कौन है, या तो आपका सनलाइट होगा, या क्या होगा, कोई मेटल कैटलिस्ट होगा। क्या होगा, कोई मेटल कैटलिस्ट होगा। अगर मेरा कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब कि ये जो अभिक्रिया है, इस जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, इसे ही हम क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। मैं कहूं कि मेरे पास एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा दिया, बताओ रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट रहेगी आपकी कांस्टेंट। मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दुगना कर दिया, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए कैसी रहेगी, तो आप बताओगे रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया का वेग है, वो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। बात आ गई समझ में? या हम ये भी कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है, जो रेट है, वो क्या है, वो आपका अभिकारक जो है आपकी, उसकी सांद्रता किसके बराबर है भाई, घात जीरो के बराबर है। क्योंकि पता है आपको घात जीरो का भी मतलब क्या है, एक, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। किसके शून्य घात के, आपको बताया था ना मैंने कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाते हैं, एन, और एन यहां क्या था, अभिक्रिया की कोटि। तो अगर एन का मान जीरो हो जाए, एन का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो भी हम इसको क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो मैंने आपको दो डेफिनेशन लिखा रखी है, आपको जो अच्छी लगती है आप उसको एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। ठीक है ना, अब बात करते हैं आगे डेरिवेशन की, कि किस तरीके से अपन शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इस डेफिनेशन को लिख लो, फिर मैं मिटा के भाई आगे की बात करता हूं। लिख लिया, चलें आगे। अब देखो डेफिनेशन देखना भाई, डेफिनेशन इसका, डेफिनेशन तो सॉरी हमने लिख दिया, अब इसका जो आपका फॉर्मूला आएगा, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, समाकलित वेग समीकरण का, वो देखना भाई, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जिस जो जो स्टेप हम आपके जीरो ऑर्डर में फॉलो करेंगे, सेम टू सेम वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं जब आप किसके लिए लिखोगे, प्रथम कोटि के लिए जब आप वेग समीकरण लिखोगे, तो वो के वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, देखना भाई, देखना भाई, वेग समीकरण, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है ना, वेग नियम, रेट लॉ, ठीक है, किसके लिए लिख रहे हैं हम रेट लॉ, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, और एक रिएक्शन ले लेते हैं, माना कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, माना माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार है। ठीक है, एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ले ली हमने, और रिएक्शन क्या है भाई, ए आपका रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बना रहा है पी, और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, के नॉट के बराबर, क्योंकि हम रेट किसके लिए लिख रहे हैं भाई, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है,
और अगर मैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करूं, आरंभिक सांद्रता की बात करूं, इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करूं, तो देखो प्रारंभिक कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी भाई, प्रारंभिक कंसंट्रेशन का मतलब टी बराबर क्या है, जीरो, और टी बराबर जीरो पर यहां जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या है, ए नॉट, ठीक है। और अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट कुछ बना नहीं है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं एट टाइम टी, यानी टी समय पर कंसंट्रेशन, एट टाइम टी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है ना। तो हम टी वन तो ले लेते हैं जीरो, टी टू को हम ले लेते हैं किसके बराबर, टी के बराबर। तो हमने बोला कि भाई कुछ समय बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाता है कितना, एक्स, और यहां पर जो कंसंट्रेशन बचती है वो कितनी बचती है, ए। कुछ आपका जो ए नॉट है वो किसमें बदल गया होगा, एक्स में बदल गया होगा, तो यहां पर कंसंट्रेशन बची कितनी, ए। तो अगर मैं कहूं कि ए कितना बचेगा, तो आप कहोगे जितना उधर गया है इतना आपका बच जाएगा, उसमें से इसको घटा दो भाई। स्टार्टिंग में आपने अगर 100 ग्राम लिया है और आपका 60 ग्राम बन गया, तो 100 में से 60 घटा दो, 40 ग्राम बचेगा। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितना बचेगा, यहां पर ए बचेगा आपका ए नॉट माइनस एक्स, कह सकता हूं मैं कि स्टार्टिंग में से मैंने जो बन गया वो मैंने घटा दिया, स्टार्टिंग ये था, बन मेरा ये गया, बचेगा कितना, बचेगा आपका स्टार्टिंग में से जो बन गया उसको घटा दिया, ए नॉट माइनस एक्स, और ए बच जाएगा मेरा, ठीक है। अब यहां पे मोल्स होते तो वो एक बात अलग थी, अपन से केवल क्या ले रहे हैं, नॉर्मल सा अपन फॉर्मूला ले रहे हैं क्योंकि हमको डेरिवेशन करना है, ठीक है भाई। अब देखो अब आगे क्या लिखेंगे हम, आगे देखना भाई, आगे क्या लिखेंगे हम, रेट लिख सकते हैं इसके लिए, रेट क्या लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या प्रोपोर्शनल हटा के डायरेक्ट कॉन्स्टेंट लिख देता हूं, के नॉट, और रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी भाई, जीरो, क्योंकि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो जो अभिकारक की सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब आगे क्या लिखोगे आप, आगे लिखोगे हम रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, माइनस डी ए अपॉन डी टी, और ये किसके बराबर होगा, के नॉट के, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक। तो यहां पर ए की पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक, यानी ये आपका फॉर्मूला आया, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलज वेग समीकरण, अवकलज वेग समीकरण, ठीक है ना, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो समीकरण एक, समीकरण एक अवकलज वेग समीकरण है, ठीक है, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है। अब इसको और चेंज करके कैसे लिख सकते हो, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस डी ए अपॉन के नॉट डी टी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस, या माइनस को मैं उधर कर दूं, साइन चेंज कर दूं, तो माइनस इधर आ जाएगा के नॉट डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका क्या, हम क्या कर देते हैं भाई, समाकलन, इसका क्या कर देते हैं, अब हम समाकलन कर देते हैं, देखना इसको आगे क्या लिखेंगे अपन, समाकलन करने पर, ठीक है ना, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई, इसका साइन लगा दो, डी ए इस इक्वल टू, अब आपको पता है कांस्टेंट और साइन का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इनको बाहर ले लो, माइनस के नॉट इंटीग्रेशन डीटी, ठीक है ना, यही लिखेंगे। अब आपको पता है कि अगर लिमिट पुट नहीं करते तो यहां पर एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता है, समाकलन स्थिरांक आता है, और अगर लिमिट पुट कर देते हो तो आगे सॉल्व करते हो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो ऊपर की जो आपकी घात है उसमें से माइनस करते हो नीचे की, ठीक है ना, इस तरीके से अपन करते हैं। मैथ वाले बच्चे इसको ज्यादा समझ रहे होंगे, साइंस वाले भी, आप बायो वाले भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, आराम से आपको समझ में आएगा। तो जब लिमिट पुट नहीं करते तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है ना, और कांस्टेंट क्या आएगा, आप देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, डीए लिखेंगे, ठीक है ना, और माइनस के नॉट एज इट इज डीटी का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, टी होगा, ठीक है। और अगर हमने लिमिट पुट नहीं करी है तो यहां एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या आ गया, आई, ठीक है ना, आई की जगह कई किताबों में सी भी लिख रखा होगा तो उससे कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आई क्या है, यहां पर आप कहोगे यहां पर आई बराबर समाकलन स्थिरांक है, क्या है, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, ठीक है, समझ जाना भाई बात को। आगे देखो अब क्या कहेंगे अपन, आई का मान कैलकुलेट करेंगे, तो आई का मान कैलकुलेट करने के लिए अपन आरंभिक जो इनिशियल कंडीशन है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, आई का मान ज्ञात करने हेतु, आई का मान ज्ञात करने हेतु, ज्ञात करने हेतु आरंभिक दशाएं आरोपित करने पर, इनिशियल कंडीशन यूज करने पर, आरंभिक दशाएं, दशाएं
आरोपित करने पर, इनिशियल कंडीशन यूज कर रहे हो भाई, आरोपित करने पर। और इनिशियल कंडीशन क्या थी आपकी? इनिशियल कंडीशन थी आपकी कि t बराबर तो क्या हो, मेरा जीरो हो, और t बराबर जीरो पर जो मेरी कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर हो, a नॉट के बराबर हो। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन आपकी क्या है वो भी लिख दी हमने कि t बराबर तो क्या हो, जीरो हो, और जो आपका a है वो किसके बराबर हो, आपका a नॉट के बराबर हो। ठीक है, यही कंडीशन है भाई इनिशियल। ठीक है, तो अब आप लिख लो आगे की बात, लिख लो आगे क्या लिखोगे आप, टी की जगह तो क्या रख दो, जीरो, और ए की जगह क्या रख दो, ए नॉट रख दो। ठीक है, यही लिखोगे, डीए का इंटीग्रल क्या होगा भाई, ए होगा। ठीक है ना, याद रखना। अब देखो यहां पर क्या करोगे आप, ए की जगह मैंने रख दिया ए नोट, ए की जगह रख दिया ए नोट बराबर। ठीक है, और के नोट टी को, अगर आप टी को जीरो रखोगे तो जीरो का गुणा किसी से भी करें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी बचेगा क्या, केवल और केवल आपका क्या बचेगा, आई बचेगा। ठीक है, अब इस मान को हम समीकरण में आरोपित कर देते हैं, इस समीकरण को नाम दे देते हैं भाई हम तीन। ठीक है ना, इसको नाम दो दिया था क्या हमने, नहीं दिया, तो इसको नाम दे दो आप डायरेक्ट, क्या दे दो, दो दे दो। ठीक है, और हम कहेंगे मान समीकरण दो में रखने पर, आई का मान, आई का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर। ठीक है, इस आई की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन टू में डाल दो, आई बराबर ए नोट है हम यहां रख देते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के नोट टी प्लस क्या हो जाएगा, आई का मान रख दिया हमने, आई का मान है ए नोट, ए नोट को उठा के हमने रख दिया। ठीक है, अब देखो यहां के नोट को मैं इधर ला रहा हूं तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ए को मैं उधर पहुंचा रहा हूं तो ए किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, इसको इधर लाया, इसको उधर पहुंचा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, इधर लिखूंगा मैं के नोट टी बराबर किसके होगा, ए नोट माइनस ए के, किसके बराबर होगा, ए नोट, और ए उधर चला गया तो माइनस ए के। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर मैं यहां से टी को नीचे लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, यहां ये लिखूंगा के नोट बराबर, के नोट बराबर ए नोट माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टी। और यही हमारा क्या है भाई, ये हमारा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसको एक तरीके से अपन और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, देखो यहां से अगर मैं x का मान निकालूं तो यहां से x का मान क्या निकालूंगा, x को उठाकर इधर कर दूं और a को उठाकर उधर ले जाऊं, तो यहां पर x बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, x बराबर लिख सकता हूं a नोट माइनस a, लिख सकता हूं क्या भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां मैं a नोट माइनस a की जगह और क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, तो मैं यहां ये भी लिख सकता हूं कि जो k नोट है वो किसके बराबर होगा, x अपॉन t के बराबर होगा। x भी यहां पर क्या है भाई, कंसंट्रेशन की टर्म्स है। ठीक है ना, क्या है भाई, x भी यहां पर कंसंट्रेशन की टर्म्स, तो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर तीन और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर चार। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण तीन व चार, समीकरण तीन व चार शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए क्या है भाई, समाकलित वेग समीकरण है, समाकलित, समाकलित वेग समीकरण है, वेग समीकरण है। बोलो भाई बात आ गई समझ में, सिंपल सा डेरिवेशन है, आसानी से करोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें जो आपको चाहिए, जो रिक्वायर्ड, जो आपकी इक्वेशन में जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि यहां पर ए नोट क्या है, तो ए नोट आप बता सकते हो भाई आरंभिक सांद्रता है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, चलो यहां ए नोट बराबर क्या है, यहां ए नोट बराबर है प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता, और ए बराबर क्या है, यहां पर ए बराबर है टी समय पश्चात सांद्रता, टी समय पश्चात सांद्रता। ठीक है, पश्चात सांद्रता। और अगर आपसे कोई बोले कि भाई एक्स क्या है, तो आप कहोगे एक्स वो कंसंट्रेशन है जो आपके क्या है भाई, वो अभिकारक की सांद्रता है जो आपके टी समय में अभिक्रियत हो चुकी है, यानी वो कंसंट्रेशन है जो टी समय के बाद क्या हो चुकी है भाई, अभिक्रिया कर चुकी है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एक्स बराबर अभिकारक की वह सांद्रता, अभिकारक की वह सांद्रता, वह सांद्रता जो टी समय में, जो टी समय में अभिकृत, अभिकृत हो चुकी है। ठीक है,
अभिकृत हो चुकी है। इसका मतलब टी समय में आपका जो रिएक्टेंट है वो कुछ अभिक्रिया करके किसमें बदल गया है, प्रोडक्ट में बदल गया है। तो टी समय पश्चात जो आपका अभिकारक है वो कितना अभिक्रिया करके प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, वो कंसंट्रेशन आपकी कौन सी है, एक्स है। ठीक है, तो इसको आपको मैं इधर इस तरीके से ब्रैकेट में कर देता हूं भाई। ठीक है, इसको आप लिख लोगे। ठीक है, लिख लो भाई, सारी बातें लिख लो, जीरो ऑर्डर के लिए सारी बातें मैंने आपको लिख दी हैं। लिखो इसको फटाफट, कर लोगे, सिंपल है भाई। ठीक है ना, एक दो बार क्या करोगे, रफ में खुद से प्रैक्टिस करोगे, पूरा डेरिवेशन करोगे, आसानी से लिख पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है भाई, ग्राफीय निरूपण। ठीक है ना, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपको ग्राफ भी पूछ सकता है डायरेक्ट एक नंबर में, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का ग्राफीय निरूपण दीजिए। ठीक है, तो देखो ग्राफीय निरूपण भी देखते हैं भाई, ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो मैं आपको पहले कुछ ग्राफ बता देता हूं जनरली, क्योंकि वो इस पूरे चैप्टर में आपको ग्राफ काम में आएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कितने ग्राफ काम में आएंगे आपको, तो तीन तरीके के आपको ग्राफ काम में आएंगे। कौन कौन से, देखो बता देता हूं पहले मैं आपको। ठीक है, देखना, एक तो ग्राफ है आपका वाई इजकल टू एम एक्स। ठीक है, तो वाई इजकल टू एम एक्स वाला ग्राफ कैसे बनेगा, y इजकल टू एम एक्स वाला ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, y एक्सिस पर जो भी आ रहा है उसको इधर लिखोगे, x एक्सिस पर जो भी आ रहा है उसको इधर लिखोगे, और m जो है वो आपका किसके बराबर होता है, ढाल के बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए, तो जो ढाल है वो आपकी इधर आ जाएगी, स्लोप आपका इधर आ जाएगा, और स्लोप किसके बराबर होगा, आपका m के बराबर होगा। समझ गए मेरी बात को। दूसरा ग्राफ आपको कौन सा काम में आएगा, दूसरा ग्राफ आपको काम में आएगा y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। क्या आएगा, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। सी को क्या बोलते हैं भाई, अंतःखंड बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, अंतःखंड बोलते हैं। इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे, ग्राफ आपका इसका कैसा बनेगा, थोड़ा ऊपर से बनेगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, जो y एक्सिस पर है उसको आप इधर लिखोगे, जो x एक्सिस पर है उसको आप इधर लिखोगे। ठीक है ना, स्लोप आपको पता ही है, स्लोप किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। जो आपकी ढाल है वो किसके बराबर होगी, m के बराबर होगी। और ये जो एरिया है, ये जो है खंड, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, हिंदी में बोलेंगे अंतःखंड। ये किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आ जाए तो कुछ इस तरीके की इसकी कहानी होगी। लेकिन अगर आपसे ऐसे आ जाए ग्राफ तीसरे नंबर का, क्या y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, क्या आ जाए y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो यहां जो स्लोप था वो किसके बराबर था, यहां जो ढाल थी वो थी मेरी m के बराबर, और यहां जो मेरी ढाल आएगी, जो मेरा स्लोप आएगा, वो किसके बराबर आएगा भाई, माइनस एम के बराबर आएगा। किसके बराबर, माइनस एम के बराबर। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो इसका ग्राफ बनेगा आपका कुछ ऐसे, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और जो वाई एक्सिस पर है उसको आप इधर लिखोगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आपको काम आएगा। इवन अभी आप फर्स्ट ऑर्डर का जब डेरिवेशन पढ़ोगे उसमें भी ये ग्राफ काम में आएंगे। तो इनको भाई थोड़ा सा आप याद रखना, बुक में अलग से अच्छे से लिख के रखना। ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या है उसको आप यहां लिखोगे। ठीक है, और इंटरसेप्ट आपका किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो उस इंटरसेप्ट को आप यहां लिख दोगे। और अगर मैं ढाल की बात करूं, ये जो ढाल है ये स्लोप किसके बराबर होगा, तो आपको पता है जो ढाल स्लोप है वो किसके बराबर होगा, माइनस एम के बराबर होगा। समझ में आ गई बात। तो ये तीन ग्राफ आपको काम में आएंगे, इन तीनों ग्राफों को लिख लो, फिर मैं अभी इस इक्वेशन को लेकर कुछ ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, पहले इनको लिख लो तीनों को भाई, लिखो फटाफट, लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लो, और पेन कॉपी लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, खुद की नोट्स खुद से बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई बात करता हूं आगे की, और अब हम देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफीय निरूपण। ठीक है, देखना, ये मैंने आपको जनरल ग्राफ बताए हैं भाई, इनको आप कहीं भी अपनी नोट्स की कॉपी में लिख के रख लो, आगे तक ये आपको ग्राफ काम में आने वाले हैं। ठीक है, देखना, ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाना है आपको किसके बीच में, इक्वेशन फोर के लिए। तो इक्वेशन फोर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, देखना भाई, इस इक्वेशन फोर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्स इजकल टू के नॉट टी लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स इधर रह गया, टी का गुणा कर दिया किससे, के नॉट के साथ, तो आपको पता है ये तो कौन सी एक्सिस हो गई भाई, वाई,
और ये किसके बराबर हो गया, m के बराबर, और ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर। यानी ये कौन सा ग्राफ आ रहा है, y is equal to mx वाला ग्राफ आ रहा है। तो y is equal to mx वाला ग्राफ हमें पता है कैसा होता है भाई, ये ग्राफ हमारा ऐसा होता है, ओरिजिन से जाता है बिल्कुल। x एक्सिस पर, y एक्सिस पर हम किसको लिखेंगे, x को, और x हमारी यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन है, ये हमें सब चीज पता है। x एक्सिस पर हम किसको लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे, ठीक है ना। x एक्सिस पर किसको लिखना है हमको, टाइम को लिखना है। तो लो भाई टाइम को लिख दिया हमने, टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी ढाल है, जो स्लोप है, और स्लोप आपको पता है किसके बराबर होता है भाई, टेन थीटा के बराबर, ठीक है ना। ढाल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। और ढाल आपको पता है किसके बराबर है भाई, के नॉट के बराबर है। किसके बराबर है, के नॉट के बराबर है। और आप वैसे भी बता सकते हो ढाल क्या होती है भाई, स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो dy में आपको पता है क्या है, डेल्टा x है, और dy में क्या है, सॉरी dy में आपका क्या है, डेल्टा x, और dx पर आपका क्या है, डेल्टा t। और मुझे पता है कि x अपॉन t किसके बराबर है, k नॉट के बराबर। अरे x अपॉन t किसके बराबर है, k नॉट के बराबर। तो ऐसे भी कह सकते हो कि भाई जो स्लोप है वो किसके बराबर आएगा, k नॉट के बराबर आएगा। समझ गए आप बात को। अब एक ग्राफ में आपको और बताऊंगा, ठीक है। आपको बोल दे, इक्वेशन दे दे आपको, और बोल दे कि इस इक्वेशन के लिए आप क्या करो, ग्राफीय निरूपण करो। इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, इक्वेशन ए बराबर माइनस के नोट टी प्लस ए नोट। आपको बोल दे कि इस इक्वेशन के लिए ग्राफीय निरूपण करो, एक नंबर में बोल दे। तो आपको पता है, सीधा देख के पहचान जाओगे भाई, सारे ग्राफ बता दिया आपको। ये y के बराबर है, ये किसके बराबर है, माइनस m के बराबर, ये किसके बराबर, x के बराबर, और ये किसके बराबर, c के बराबर। यानी ये कौन सा ग्राफ है, y is equal to minus mx plus c वाला ग्राफ है। तो हमें पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर। यानी मैं नीचे बना देता हूं भाई, देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा माइनस एम एक्स है ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ, माइनस के लिए ऊपर से नीचे की तरफ। वाई एक्सिस पर क्या लिखोगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ए है। एक्स एक्सिस पर क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस पर लिखूंगा मैं टाइम, ठीक है। टाइम के लिए क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा। और आप मुझे बताओ कि आपका जो स्लोप है वो किसके बराबर है, माइनस एम के बराबर। तो ये जो आपका स्लोप है, जो ढाल है, जो टेन थीटा है, वो किसके बराबर है, माइनस के नॉट के बराबर, ठीक है। समझ में आ गई भाई, ढाल आपको पूछ लेता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है कि इस इक्वेशन का स्लोप किसके बराबर होगा, इस इक्वेशन की ढाल किसके बराबर होगी। तो ढाल इसकी किसके बराबर होगी, माइनस के नॉट के बराबर होगी, ठीक है। और अगर मैं इसके अंतःखंड की बात करूं, जो इसके इंटरसेप्ट की बात करूं, तो इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर है, मुझे बताओ किसके बराबर है भाई, ए नॉट के बराबर है। तो इसका जो इंटरसेप्ट आएगा, जो अंतःखंड आएगा, वो किसके बराबर आएगा, ए नॉट के बराबर आएगा। बोलो बात आ गई समझ में, बना लोगे ग्राफ आराम से, इन दोनों ग्राफ को बनाओ। फिर एक ग्राफ और है, उसको भी मैं आपको बताता हूं, पहले इन दोनों को बना लो। बना लो भाई, बना लिया, कर लोगे। चलो एक ग्राफ को मैं आपको इधर ही बता देता हूं, ठीक है, देखना भाई, इधर ही बता देता हूं एक और ग्राफ। और अब हम ग्राफ किस किस के बीच में खींच रहे हैं भाई, कंसंट्रेशन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का हम ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है ना। किसके सापेक्ष में हम ग्राफ बना रहे हैं भाई, अभिक्रिया का वेग वर्सेस सांद्रता के बीच में, ठीक है ना, देखना भाई। और आपको पता है शून्य कोटि के लिए बना रहे हैं हम, तो शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का पहले वेग लिख देते हैं, इधर रेट लिख देते हैं, और इधर हमने क्या ले ली, कंसंट्रेशन ले ली, सांद्रता ले ली। अब आपको पता है कि भाई शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि अभी अभी हमने लिखा था रेट किसके बराबर बचता है भाई, कांस्टेंट के बराबर बचता है, के नॉट के बराबर बचता है। यानी आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओ घटाओ, रेट तो आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल कैसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो अगर मैं रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचूं, तो रेट का कैसा आएगा ग्राफ, बिल्कुल कांस्टेंट आएगा। कंसंट्रेशन आपकी चाहे बढ़े या घटे, रेट आपका कैसा रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ ले कि भाई वेग और सांद्रता के रेस्पेक्ट में आप ग्राफ बनाओ, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो आप बनाओगे कि जो ग्राफ है वो कैसा आएगा भाई, जो रेट है वो कैसी आएगी आपकी, कांस्टेंट आएगी, क्योंकि यही हमको इक्वेशन मिलती है शून्य कोटि अभिक्रिया में, ठीक है, समझ गए। तो इनको बना लो भाई, फिर आगे बात करता हूं मैं आपको हाफ लाइफ की, ठीक है ना, अर्ध आयु काल की। बनाओ इसको, और आगे हम बात करेंगे अर्ध आयु काल की, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है।
और इससे रिलेटेड आपको छोटा मोटा एक नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल का समीकरण दीजिए, ठीक है ना, या समाकलित वेग समीकरण दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकता है भाई एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अर्ध आयु काल, ठीक है, अर्ध आयु काल, और इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं भाई इसको, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, आधी जिंदगी जो हमारी हो चुकी है, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम, जिंदगी का आधा पार्ट खत्म और आधा बाकी। चलो बात करते हैं अर्धायु काल की, हाफ लाइफ टाइम की। अब हाफ लाइफ टाइम से मतलब क्या है, यहां पर हाफ लाइफ टाइम से मतलब यह है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो आपका आधा कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, यानी जो अभिकारक की सांद्रता है वो आधी रह जाए, उस समय को हम क्या बोलते हैं, अर्धायु काल बोलते हैं। समझ गए बात आप हाफ लाइफ टाइम की। तो अगर आपको लिखना है थ्योरी में तो क्या लिखोगे, अर्धायु काल वह समय है, अर्ध आयु काल वह समय है जब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, मतलब आधा आपका क्या है, चेंज हो चुका है प्रोडक्ट में, आधी रह जाए, ठीक है। जैसे 100 ग्राम लिया था तो 50 ग्राम प्रोडक्ट बन चुका, रहा कितना 50 ग्राम रहा, ठीक है। इसका मतलब अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ए है वो किसके बराबर हो जाए भाई, ए नॉट बाई टू के बराबर हो जाए, ठीक है। और जो आपका टाइम है वो टाइम किसके बराबर हो जाए, टी हाफ के बराबर, ठीक है ना। अर्धायु काल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से। तो इसको आरोपित कर देते हैं हम किसमें, समीकरण चार में। तो हम लिखते हैं मान अच्छा तीन में रखना बेटर होगा, ठीक है ना, ए नोट का। तो मान समीकरण तीन में रखने पर ठीक है, देखना भाई, तीन में रख देते हैं, बिल्कुल रख दो, के नोट और बराबर ए नोट, ठीक है, माइनस, और ए की जगह मुझे क्या रखना है, ए नोट बाई टू, तो मैं रख देता हूं ए नोट बाई टू। फिर नीचे टी की जगह क्या रखना है, हमको भाई टी हाफ रखना है, टी हाफ रख दिया। लो अब आपको पता है कि टी हाफ को मैं इधर भेज रहा हूं, के नोट को इधर ला रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, और देखो एक में से आधा चला गया, ए नोट में से ए नोट बाई टू चला गया, एक में से आधा चला गया, तो बचेगा कितना, आधा बचेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि चेंज करके देखो टी हाफ को इधर ला रहा हूं, तो क्या लिख सकता हूं, टी हाफ बराबर यहां क्या बचेगा भाई, यहां बच जाएगा ए नोट बाई टू, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा के नोट, ठीक है, यही बचेगा, के नोट को उठा के नीचे रख दिया, ठीक है। अब आपको पता है ए अपॉन बी अपॉन सी का आ गया, तो इसका मतलब ये इसका नीचे से गुणा हो जाएगा, तो आगे क्या होगा भाई, टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा, ए नोट बाई 2k नोट, क्या आ जाएगा भाई, a नोट बाई 2k नोट, ठीक है ना। ये कहानी मैं आपको और बता देता हूं अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि देखो भाई, वैसे तो मैथमेटिकल है, मैं समझता नहीं हूं इतना कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे आ जाए a अपॉन बी अपॉन सी, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, a अपॉन बी इंटू सी, या आपको इस तरीके से आ जाए, a अपॉन बी अपॉन सी, तो सी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a इंटू सी अपॉन बी, ठीक है ना। इस कंडीशन से आपकी कहानी होगी। तो यहां पर कौन सी चीज अप्लाई हो रही है, ये वाली चीज अप्लाई हो रही है, तो ये अपन ने टी हाफ का फॉर्मूला निकाल दिया। तो अब हम टी हाफ के फॉर्मूले से एक चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हो कि अब आप टी हाफ का फॉर्मूला देखोगे तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है भाई, ए नोट के आ रहा है। अरे अगर मैं टी हाफ को बराबर को हटा के प्रोपोर्शनल का निशान लगाऊं तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, दो भी क्या है, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा, के नोट तो कांस्टेंट है ही। तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं क्या कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए नोट के, कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल आरंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है, समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एज इट इज एग्जाम में स्टेटमेंट के तौर पर आपको पूछा जा सकता है। तो क्या लिखोगे, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल यानी टी हाफ अभिकारक की
अभिकारक की आरंभिक सांद्रता पर प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और डिपेंड कैसे करेगा कि अगर आरंभिक सांद्रता बढ़ेगी तो अर्धायु काल के मान भी कैसे होंगे, बढ़ेंगे। समझ गए बात को? तो अर्धायु काल के लिए आपको फाइनल इक्वेशन के रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल पूछ सकता है, आपको एक नंबर में फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है। लिख लो सारी बातों को भाई, सारी बातें आपके बोर्ड के ऊपर हैं, लिख लिया, बोलो भाई, कर लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको है ना इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आपको दो तीन रिएक्शन दे दे और बोल दे प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि बताओ, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल भी बताता हूं भाई शून्य कोटि अभिक्रिया के, देखना इसको भी देख लो और फिर हमारा ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का पूरा खेल खत्म, ठीक है। देखना भाई, अगली हेडिंग लगाओगे आप शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, ठीक है। देखो देखना भाई, अगली रिएक्शन क्या लिखोगे, सॉरी अगली हेडिंग शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, ठीक है। पहचान मैंने आपको बता दी, पहचान क्या थी कि आपका सनलाइट आ जाए, सूर्य का प्रकाश आ जाए, या कोई आपका मेटल कैटलिस्ट आ जाए, ठीक है, या आपकी कोई एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया हो जाए, ठीक है ना। तो वो सारी अभिक्रिया जो है वो आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, जीरो ऑर्डर के अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। कुल मिला के कोई भी आपका क्या हो भाई, कैटलिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसको बोलूं तो ये आप याद रख लेना भाई, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, इसकी पहचान हो गई। अब पहले एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं कि H2 प्लस Cl2, और आपको ये रिएक्शन लिखवा चुकी है मैंने कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होती है। तो H nu आ गया यहां पर, यानी यहां पर 2HCl बनेगा और आप H nu देखते ही इसको बोल दोगे कि ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल PH3 का हम क्या कर रहे हैं भाई, अपघटन कर रहे हैं किसके अंदर, किसकी प्रेजेंस है, पहले तो मोलिब्डेनम की प्रेजेंस है, साथ ही आपकी एक कंडीशन और दे रखी है हाई प्रेशर की, ठीक है। और यहां पर आपका 2 फास्फोरस और 3 आपके H2 के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, अगली रिएक्शन आपको पता चल गया, मोलिब्डेनम आ गया, मेटल कैटलिस्ट आ गया, सीधा बोल दोगे कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तीसरी देखो भाई, तीसरी में हम लिखते हैं अमोनिया NH3, ठीक है ना। अब देखो अमोनिया में आपको पता है या तो प्लेटिनम आ सकता है या आपका टंगस्टन आ सकता है, ठीक है ना। तो टंगस्टन आ गया, कैटलिस्ट आ गया, किसमें बदलेगा भाई, N2 में, और तीन मॉलिक्यूल यहां भी किसके बनेंगे, H2 के बनेंगे। आपने तो देख लिया टंगस्टन या प्लेटिनम आ सकता है इसकी जगह, तो आप कह दोगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। उत्प्रेरक देखते ही आपके दिमाग में एक बात कौन सी कि ये क्या होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक और देख लो, 2HI और इसकी रिएक्शन हो रही है गोल्ड डस्ट की प्रेजेंस में, यानी सोना AU की प्रेजेंस में, और यहां पर आपको पता है एक तो क्या बनेगा H2 का मॉलिक्यूल और एक क्या बनेगा I2 का मॉलिक्यूल। तो आपने कैटलिस्ट देखा, मेटल कैटलिस्ट देखते ही आपने क्या बोल दिया, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। समझ गए बात को, पहचान याद रखोगे, कोई सी भी अभिक्रिया को आप आसानी से बता दोगे, छाप डालो भाई सारी चीजों को, ठीक है, कर लोगे भाई, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर की सारी कहानी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। इससे अगला लेक्चर आपका किसका होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दो, बता दो भाई लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।